मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज का अपना टॉपिक है रासायनिक वर्गति चैप्टर के अंदर अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और एक रासायनिक अभिक्रिया की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज जो होती है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर उसकी कोटि का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन की बात करें, तो उन सभी छात्रों को हम बता दें कि अभिक्रिया की कोटि का अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि उस अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हर एक अभिक्रिया का वेग नियम निश्चित होता है और उसमें अभिक्रिया की दर का अभिकारकों की सांद्रता की घातों पर एक प्रायोगिक निर्भरता की बात उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने की थी। और यहाँ पर हम एक बार और आपको बता देंगे कि अभिक्रिया का वेग नियम में अभिक्रिया की दर कैसे अभिकारकों की सांद्रता की घातों पर निर्भर करती है और क्या उनकी प्रायोगिक वैल्यूज होती हैं सांद्रता की घातों की। और उसके बाद में हम फिर आपको बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि कैसे कनेक्टेड है अभिक्रिया के वेग नियम से। और किसी दी हुई अभिक्रिया की वेग नियम अगर आपको मालूम हो तो उसके साथ ही आपकी उस अभिक्रिया की कोटि आप बड़े आसानी से जो है याद कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि एक अभिक्रिया है, मान लो कि यही अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया की अगर आपको वेग नियम मालूम है, जैसे इस अभिक्रिया की वेग नियम होती है, वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, के और इसका ये H2 की ब्रैकेट इंटू I2 की ब्रैकेट। मतलब ये हमको मालूम है कि इस अभिक्रिया का वेग ये होता है, वेग अभिक्रिया का वेग बराबर के H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ इस अभिक्रिया का वेग जो है वो इस अभिकारकों की सांद्रताओं की एक एक घातों पे निर्भर कर रहा है। और यदि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग या वेग समीकरण ये है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होने वाली है, अभिक्रिया की कोटि क्या होने वाली है। इसकी घात एक और इसकी घात एक दोनों घातों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी आपका 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। तो किसी भी अभिक्रिया की अगर आपको कोटि फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें उस अभिक्रिया के वेग नियम को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा की बात करते हैं, तो हम आपको ये बता दें कि किसी अभिक्रिया की कोटि उसके वेग नियम में उसके अभिकारकों की सांद्रताओं की जो भी घातें होती हैं उन अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को ही उस अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करते हैं या कहते हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कोई सरल अभिक्रिया हो तो उस सरल अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणु भाग लेते हैं, जितने भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है वो उस अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करेगा। मान लो कि कोई जैसे सरल अभिक्रिया ये है, 2N2+O2 gives 2NO2। अगर ये कोई सरल अभिक्रिया है, दोस्तों बताते हैं कि सरल अभिक्रिया क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टेप्स के आधार पर, कंप्लीट रिएक्शन के स्टेप्स के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। यदि कोई अभिक्रिया अगर एक ही स्टेप में या एक ही सोपान में पूर्ण होती है, ठीक है ना, उत्पादों में बदल जाती है एक ही स्टेप में, तो उस अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया या प्रारंभिक पद के नाम से उसको जाना जाता है। और यदि कोई अभिक्रिया एक पद के अलावा एक पद से अधिक पदों में कंप्लीट होती है या पूर्ण होती है तो उसे हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों जटिल अभिक्रिया की आणविकता या कोटि की बात करें तो कोटि जटिल अभिक्रिया की हम फाइंड भी कर सकते हैं समीकरण को देख करके, क्योंकि जो समीकरण दिया होता है या जो समीकरण दिया होता है उस समीकरण में हमें ये नहीं मालूम होता है कि वो अभिक्रिया 1 स्टेप में पूरी हो रही है कि 2 स्टेप में पूरी हो रही है। इसलिए ये कहना
उचित नहीं होगा कि इस अभिक्रिया की कोटि इतनी है। हाँ, यदि अभिक्रिया सरल है, ये कंफर्म मालूम है कि अभिक्रिया सरल है, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि उस अभिक्रिया की ऑर्डर कितनी होने वाली है। बस सरल अभिक्रिया होगी और जैसे ही हम अभिकारक अणुओं की संख्याओं को यहाँ काउंट करेंगे, वही एक्चुअली में अभिकारक अणुओं की संख्या हमारी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और दिया है, इसको हम इस रूप में एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि किसी दी हुई सरल अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणु भाग लेते हैं, उन अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करती है। तो दोस्तों ये दूसरी परिभाषा हो गई। और या फिर हम ये ऐसा कह सकते हैं कि किसी दी हुई अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अर्थात उस अभिक्रिया का वेग जिन अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता के पर निर्भर करता है, वही अभिकारक अणुओं की संख्या ही उस अभिक्रिया की कोटि बन जाएगी। दोस्तों ये तीनों परिभाषाएं वैसे तो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन अलग अलग छात्रों को अलग अलग तरीके से उनको लिखना और याद करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने तीन तरीके से अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित किया, ठीक है। पहले तो हमने ये किया कि किसी अभिक्रिया की कोटि उसके वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल के बराबर होता है, और दूसरी परिभाषा हमने ये बोला है कि किसी दी हुई सरल अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं, ये परिभाषा एक्चुअली में ये परिभाषा सभी अभिक्रियाओं की डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर के लिए नहीं है, ये सिर्फ सरल अभिक्रिया की कोटि को फाइंड करने वाली डेफिनेशन है कि किसी दी हुई सरल अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या जितनी होती है वही उसकी कोटि बन जाती है। लेकिन जो तीसरी बात हमने बोली वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी तरीके से अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित किया, उसमें हमने लिखा है कि किसी अभिक्रिया में उन अभिकारक अणुओं की संख्या, वे अभिकारक अणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया की दर या वेग निर्भर करता है। अर्थात आपने देखा है कि किसी अभिक्रिया का जो वेग नियम का व्यंजक होता है, उसमें सिर्फ उन्हीं अभिकारक अणुओं की उन्हीं संख्या को घातों के रूप में ट्रांसफर करते हैं जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। सिर्फ उन्हीं अभिकारक अणुओं की संख्या को हम वहां पर सांद्रता के घातों के पदों के रूप में लेके जाते हैं। तो दोस्तों अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन बहुत आसान है, यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल जो है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यदि माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है, a+b+c गिव्स प्रोडक्ट, यदि अभिक्रिया इस तरह से है
जहां स्मॉल ए बी सी डी कैपिटल ए बी सी डी अभिकारकणों की संख्या है, तो इस अभिक्रिया का वेग नियम अगर हम देखते हैं तो इस अभिक्रिया का वेग नियम वेग बराबर के ए ब्रैकेट की पावर पी, बी ब्रैकेट की पावर क्यू और सी ब्रैकेट की पावर आर हो तो अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि पी प्लस क्यू प्लस आर होगी। तो अभिक्रिया की कोटि P प्लस क्यू प्लस आर है, जहां P Q R जो है A B C अभिकारक अणुओं की सिर्फ वो संख्याएं हैं जिन पर अभिक्रिया की वेग निर्भर करती है, जिन पर अभिक्रिया की वेग निर्भर करती है, अर्थात उस अभिक्रिया में उन अभिकारक अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण में परिवर्तन होता है, जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो ले लीजिए आप, ठीक है। अब इसी तरह से सपोज दैट कि आपके पास में ये तमाम एग्जांपल्स हैं, ये तमाम एग्जांपल्स हैं, जैसे ये तमाम। अब ये लीजिए एग्जांपल वन, फर्स्ट इस अभिक्रिया का वेग क्या बनेगा, अभिक्रिया का वेग नियम, वेग नियम क्या होगा, वेग बराबर के एच टू I2 पावर कितनी है A की, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी, कोटि ऑफ द रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 देख ले, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2, ये हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, H2 प्लस IO2, I2 प्लस I2 gives 2HI, यहां अभिकारक कर लूं H2 I2 जिसकी सांद्रता की घात 1 और 1, अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 2, यह अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 2, ऑर्डर 2। इसी तरह से एग्जांपल 2 में देखें तो यहां पर वेग नियम क्या हो जाएगा, वेग नियम इज इक्वल टू हो जाएगा के NO2 की पावर 2 इंटू O2 ब्रैकेट, तो कोटि कितनी हो जाएगी, बहुत आसान है ये, इसके कोटि कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 3, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल थर्ड देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, एन टू ओ फाइव गिव्स 4 एनओ टू प्लस ओ टू, इस अभिक्रिया का वेग नियम देखिए, वेग नियम वेग इज इक्वल टू के एन टू ओ फाइव की पावर 1, देखिए ध्यान से इस अभिक्रिया का वेग सिर्फ अभिकारक अणु N2O5 के सिर्फ एक घात पर समानुपाती, एक घात के समानुपाती होता है, अर्थात इस अभिक्रिया के होने में सिर्फ इस अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, N2O5 की एक संख्या यानी एक अणु की संख्या 1 पर निर्भर करता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई, ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई, इसी तरह से इसका भी ऑर्डर आपका कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रिटर्न में हम आपको सारा डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं, रिटर्न में वहां से लेकर के अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, उसका यूनिट और ये सारा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मेनी काइंड्स ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, हम ये आपको सब देने वाले हैं रिटर्न में, आप अच्छी तरह से समझ लें। तो ये बात फिर से समझ लें, वे अभिक्रियाएं जिनकी ऑर्डर एक होती है
वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से जिनकी कोटि दो या फिर तीन होती है वो क्रमशः द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं या तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपकी याद कोटि के साथ साथ एक और नेक्स्ट व्यंजक एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। अभिक्रिया की आणविकता बहुत ही आसान है और ये अभिक्रिया की जो कोटि है ये बहुत ही बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक सवाल 100% यहाँ से पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के संबंध में। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।